हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम मेमोरेंडम वाउचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मेमो वाउचर्स क्या हैं। सपोज कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को 1 वीक के लिए दिल्ली से बाहर भेजती है और उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए 7,500 रुपीज एडवांस में पे करती है, और उसे कहा जाता है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में जो भी एक्सपेंस करे वो उसे कंपनी में शो करे। तो इस केस में जो अकाउंटेंट है वो 7,500 से मेमो वाउचर पास करता है, क्योंकि उसे अभी एक्सपेंस का एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, और वो अमाउंट उसे तब पता चलेगा जब वो एम्प्लॉय वापस आएगा। तो जब वो एम्प्लॉय वापस आता है तो अकाउंटेंट रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर में जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे वो करेगा। अगर एम्प्लॉय कंपनी ने जो एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया है उससे ज्यादा खर्च करता है तो पेमेंट एंट्री पास होगी, और अगर उस अमाउंट से कम खर्च करता है तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी। एक चीज आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो मेमोरेंडम वाउचर पास करेंगे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेमोरेंडम वाउचर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर F11 की प्रेस करेंगे। कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स। इसे आप यस करेंगे और इस स्क्रीन को कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ पर एम्प्लॉय नेम से लेजर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए अकाउंट्स इन्फो पर आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लेजर्स एंड देन क्रिएट। अब सपोज हम यहाँ पर नेम में एंटर करते हैं एम्प्लॉय ए अंडर सन्ड्री डेटर्स और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, देन राइट हैंड साइड में आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ गया है मेमोज के नाम से। तो मेमोज वाउचर को ओपन करने के लिए या तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे या आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F10। आप देखेंगे मेमोरेंडम वाउचर यहाँ पर ओपन हो गया है। तो अभी जैसा कि आपको बताया कि कंपनी ने एम्प्लॉई को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए 7,500 रुपीज एडवांस में पे किए हैं, और इसके लिए अकाउंटेंट 7,500 रुपीज से मेमो वाउचर पास करेगा, क्योंकि अभी उसे एक्चुअल अमाउंट का नहीं पता है कि एम्प्लॉई जो है कितना एक्सपेंस करेगा। तो अभी जितना एडवांस अमाउंट कंपनी ने एम्प्लॉई को दिया है उस अमाउंट से अभी हम यहाँ पर मेमो वाउचर में एंट्री करेंगे। डेबिट साइड में आप यहाँ पर एंटर करेंगे एम्प्लॉय नेम जो है एम्प्लॉय ए, देन अमाउंट एंटर करेंगे 7,500, एंटर प्रेस करेंगे, और क्रेडिट साइड में यहाँ पर आप एंटर करेंगे कैश। इसके बाद आप यहाँ पर नरेशन एंटर करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर एंटर करते हैं एडवांस अगेंस्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और बाद में जब अकाउंटेंट को एक्सपेंडिचर की डिटेल्स रिसीव होंगी तब वो उसे रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर में एंटर करेगा। तो इस तरह से अपने आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आप मेमोरेंडम वाउचर क्रिएट करेंगे। थैंक यू।